मामा फर्स्ट टाइम आ रही है मेरे घर में. केल्विन कह रहा है लॉयड भी क्यूट है. क्यूट है. सो आंटी जा रही है मेरी, लेकिन फिर दोबारा आएंगी, है ना. मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पिंक ड्रेस में. वेलकम और वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. हम सब भी ठीक है, खुदा का शुक्र है. सो गाइज, इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं और केल्विन जा रहे हैं एक मेहंदी में. जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे दूर के रिलेटिव्स में एक शादी है जिसमें मामा लोग और हम लोग सब इन्वाइटेड हैं. तो मामा लोग भी आ रहे हैं कराची से, लेकिन प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है. वो लोग अभी मेरे घर नहीं आ रहे, वो डायरेक्ट हॉल में ही आएंगे, क्योंकि वो लोग हैदराबाद से लेट निकल रहे हैं. तो जाहिर है कराची भी लेट पहुँचेंगे, यहाँ पर आएंगे तो मज़ीद लेट हो जाएंगे. इसलिए वो डायरेक्ट हॉल में आएंगे और मेहंदी खत्म होने के बाद वो लोग मेरे घर पर आएंगे. तो मैं भी उनसे हॉल में मिलूंगी, आप लोगों को भी उनसे हॉल में मिलाऊंगी. आई होप मेरे साथ साथ आप लोग भी उतने एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो खैर, अभी मैं और केल्विन रेडी होने जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि 7:30 हो गए हैं और 8 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है. तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे जल्दी जल्दी से रेडी होना है और वहाँ पे पहुँचना भी है. कराची में वैसे इतने लंबे लंबे रास्ते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है. क्या पहन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ब्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा. इस ब्लॉग में आप लोगों को मामा लोग से मिलवाऊंगी. सो गाइज, मैं पहन रही हूँ ये नेवी ब्लू, ये ट्राउज़र है, ये शर्ट है, लॉन्ग शर्ट है. तो ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है शादी के बाद, तो आज ही इसको पहनने का मौका मिल रहा है. मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. सो ये मेरा ड्रेस है और केल्विन पहन रहे हैं ये वाइट कुर्ता पजामा. ये केल्विन पहन रहे हैं. तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं. नेक्स्ट क्लिप में हॉल में शूट करूँगी. बाय बाय. बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज और ये मामा फर्स्ट टाइम आ रही है मेरे घर में. और ये बैठे हैं अंदर लॉयड और जेनी. जी गाइस, सो इट्स नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग. हेलो. तो गाइस, जैसे आपने रात में देखा कि हम लोग शादी से काफ़ी लेट आए थे और उसके बाद आके सो गए थे, तो बैटरी भी लो थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग जो है रात को कंटिन्यू नहीं किया. हम लोग अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, हम सब ने नाश्ता वगैरह किया है. केल्विन जो है अभी काम से जा रहे हैं बाहर और लॉयड और जेनी भी जा रहे हैं. जेनी अपने घर जा रही है. तो ये रही जेनी. हेलो. तो पैकिंग कर रही है, तो अभी ये जा रही है, लॉयड भी जा रहे हैं, मामा अभी मेरे पास ही हैं. तो अभी मेरे इस व्लॉग में आपको ये लोग दिखते रहेंगे. मामा से मैं आपको मिलवाती हूँ. मामा भी बहुत थक गई हैं, कराची में एक्चुअली बहुत गर्मी है. हैदराबाद में कैसा हाल है जेनी? बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा. यहाँ से ज़्यादा है? हाँ, हैदराबाद में ज़्यादा गर्मी है. वैसे हैदराबाद में ज़्यादा ही होती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत गर्मी है. रात को तो बहुत ज़्यादा हफ्स थी और अभी भी मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है. फ़ैन ऑफ किया हुआ है, इनकी हालत देखें. सो जेनी मेरे घर में फर्स्ट टाइम आई. जेनी घर कैसा लगा? वो लॉयड लॉयड है अंदर बाथरूम में, वो नहा रहा है. तो ये लोग जैसे मैंने बताया अभी जा रहे हैं, तो उसको कपड़े दे रही. घर अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है ना. हाँ, लेकिन बैटरी लो थी तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कल. और मामा वो रही सो रही हैं. मामा आपको हमेशा इसी पोज में मिलेंगी. हेलो मामा. सो ये देखें, केल्विन आ गए हैं और आते ही ये किचन में आ गए. एक तो जो है ना, मेरे जो हस्बैंड है ना गाइस, वो एक शेफ़ हैं. इनके अंदर एक शेफ़ की रूह है. ये किचन में आए बगैर ना ये रह नहीं सकते. तो ये अपने लिए फ्राई कर रहे हैं कबाब, लॉयड के लिए और अपने लिए और मामा के लिए भी. ये कह रहे हैं कि मतलब मामा आई हुई हैं तो कबाब बना के क्यों ना खिलाया जाए. तो हमने कबाब बनाए थे, तो ये अभी ये फ्राई कर रहे हैं. आपको मज़ा आता है कुकिंग करके? बिल्कुल. जब अपने अपने हाथ से कुकिंग जब तक नहीं करूं तब तक सुकून नहीं मिलता. ये देखें गाइस, इनको कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है.
ये गुड बॉय हैं, गुड हस्बैंड हैं ये, पर छींटों से डरते हैं ये ऑयल की। आप लोग भी जो है अपनी वाइफ को हाँ ऐसी पका पका कर खिलाएं और खुश रखें, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ये बात तो है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा भी दिल कर रहा है खाने का, मैं भी खाऊंगी। ओके बाय, जल्दी आना ठीक है ना। सो गाइस मामा जा रही हैं दूसरी आंटी के घर ज़रा, और लॉयड भी जा रहा है। लॉयड घर कैसा लगा? अच्छा घर है ना, बड़ा बड़ा, हाँ क्यूट है, कह रहे क्यूट है घर। हाँ ये देखो, चलो जी, केल्विन कह रहे लॉयड भी क्यूट है, क्यूट है। अच्छा गाइस ये लोग भी जा रहे हैं, तो बस मैं अकेली हूँ घर पे, जल्दी आना ठीक है। चलो ओके बाय बाय, जल्दी आना, बाय जी। सो गाइस लॉयड और केल्विन भी चले गए हैं अपने किसी काम से, मेरी मामा गई हैं मेरी आंटी के साथ बाजार, आधे पौने घंटे में तकरीबन ये लोग वापस आ जाएंगे। जब तक मैं घर वगैरह नीट कर लेती हूँ, अपना यूट्यूब का कुछ काम है वो कर लेती हूँ, और उसके अलावा मुझे ये ब्लॉग भी एडिट करना है ताकि मैं इस ब्लॉग को टाइम से अपलोड कर दूँ। जी गाइस तो नेक्स्ट डे हो गया है, कल जो है मैं सो गई थी रात में, जल्दी सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। अब ये लोग आए तो खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं दोबारा सो गई, तो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था कल। सो अभी जो है वो 12:30 बज रहे हैं, और मामा जो है वो किचन में हैं, बना रही हैं पराठे, और केल्विन जो है वो मामा की हेल्प करा रहे हैं, और लॉयड जो है वो कल रात को ही अपने इन-लॉज में चले गए थे, जैनी के घर गए थे, जैनी और लॉयड वहीं पे, वो आज शाम में आएंगे। और बस अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं, दोनों सास और दामाद मिलके जो है किचन में नाश्ता बना रहे हैं, और मैं बना रही हूँ व्लॉग एज ऑलवेज। ऑमलेट बनाया है, ये बन रहे हैं कबाब, और पराठे भी मामा ने बना दिए हैं, अभी हम नाश्ता करेंगे, बहुत भूख लग रही है। मैं सॉसेजेस भी फ्राई कर रही हूँ। सो गाइज ब्रेकफास्ट बन गया है, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये केल्विन खा रहे हैं, हेलो, और ये है मामा, मामा हेलो जी। गाइज सो लॉयड और जैनी भी आ गए हैं, ये रहा लॉयड और ये रही जैनी। सो ये लोग बस अभी अभी आए, अपनी मामा के घर गई थी तो अभी अभी आई है। कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया, इन्जॉय किया, दुआ पे आपको मिस कर रहे थे सब। हाँ अभी मेरी आंटी आ रही हैं तो मैं अपनी आंटी से भी आपको मिलवाऊंगी। सो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मेरी आंटी आने वाली है, तो मैंने सोचा मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर। एक्चुअली मेरी आंटी आई हैं लाहौर से, जो मैंने आपको जैसे बताया हमारे रिलेटिव्स में शादी है, तो कल मेहंदी का इवेंट था तो उसमें सब लोग आए हुए थे, तो आंटी मेरे घर पे भी आ रही हैं अभी विजिट करने के लिए। सो मामा लॉयड जैनी तो शाम तक चले जाएंगे क्योंकि इन लोगों की जॉब्स का मसला है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, तो ये शादी वाले दिन डायरेक्ट आएंगे। दरवाज़ा नॉक हुआ है तो मुझे लग रहा है वो लोग आ गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना स्वेटिंग हो जाती है, और अभी भी मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है, ये देखें फ़ैन ऑफ़ करती हूँ तो क्लियर मेरी आवाज़ आती है, फ़ैन ऑन करती हूँ तो आवाज़ भी क्लियर नहीं होती, तो डोर भी नॉक हुआ है, तो मुझे लग रहा है केल्विन आ गए हैं, केल्विन गए थे उनको लेने क्योंकि उनको हमारा घर नहीं पता कहाँ है। ये रही मेरी आंटी, आंटी हाय करो, और ये मेरी भाभी, इसको आपने देखा होगा मेरी शादी पे, हाय, और ये मेरी दूसरी भाभी, और ये रोनी मेरी शादी पे जिसने मेरा पूरा व्लॉग बनाया था, और ये मेरा भाई सुस्त जो लेटा ही रहता है, हेलो, और इनको तो जानते होंगे आप, ये जाने पहचाने से कुछ लग रहे हैं। सो लियोन भाई और भाभी भी आ गए, मैंने कहा चलो सब हैं तो इनको भी बुला लेते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। मुझसे तो मिलो, सो आंटी जा रही है मेरी, लेकिन फिर दोबारा आएंगी है ना। ओके बाय, ओके। हेलो गाइस, सो गाइस मेरी आंटी लोग चले गए हैं जिसकी शादी है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, वहाँ के मैं इतने ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं लूँगी, लेकिन यह है कि मैं जा रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि हम सब लोग ही रेडी हो गए हैं। लियोन और भाभी यहीं पे हैं, लॉयड और मामा जैनी भी यहीं पे हैं, तो वो लोग वहीं से हैदराबाद निकल जाएंगे, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये पिंक कलर का ड्रेस पहना है शादी के बाद, बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी तक पहने ही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता पहनूंगी, तो ये मेरे जहेज का ही है पिंक कलर का, ये मुझे अच्छा लग रहा था। और ये केल्विन भी रेडी हो गए, और इन्होंने ब्लैक शलवार कमीज़ पहना है, और ये इतने स्मार्ट लग रहे हैं, वेरी नाइस यू लुकिंग स्मार्ट। गर्मी लग रही है ना, बहुत गर्मी है, चलो बैठो फैन में बैठ जाओ, और बाकी सब भी रेडी हो गए,
ये देखें, ये हैदराबादी पार्टी तो जाने के लिए रेडी है, वो इनके बैग्स हैं। हेलो तो करो कोई। गाइज ये देखें मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पिंक ड्रेस में, और पिंक कुर्ता भी पहना है। चलो चलो आ जाओ। लॉयड 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 चाबी देना, गेट लॉक करना है। हाँ नहीं नहीं फेंकना नहीं। हाँ आप साइड साइड से उतरना, क्योंकि यहाँ पे ना वो कोई ग्रिल व्रिल नहीं है पकड़ने के लिए, डेंजरस तो है। ध्यान से उतरो, आ जाओ। लाइट ऑफ कर दो ना रूम की। ये बॉटल पकड़ दो। गाइस यहाँ लाइट चली गई, सो मामा लोग अभी जा रहे हैं हैदराबाद। बाय बाय, तो मिलो बहन से। हाँ मामा लोग जा रहे हैं और यहाँ पे लाइट चली गई है। गुड नाइट। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर वापस। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए जिधर हम गए थे, मैं ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं सकी, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मामा लोग चले गए वापस हैदराबाद और मैं अभी अभी अपने घर में एंटर हो गई हूँ। थोड़ी देर पहले घर में इतना रश था और अब इतना खाली खाली लग रहा है, सन्नाटा सन्नाटा। और ये देखो लाइट सिटिंग रूम की ऑन ही थी, ऑफ ही नहीं की। ऑफ नहीं की आपने सिटिंग रूम की लाइट? हम लोग घर आ गए हैं और बस अभी मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ। मैंने सोचा चेंज करने से पहले मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ इन्हीं कपड़ों में। केल्विन तो सो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मामा लोग चले गए हैं वापस हैदराबाद, वो लोग तकरीबन रात 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। पहुँचेंगे तो मुझे मैसेज करेंगे, खुदा करे कहर खैरियत से पहुँच जाए। वो लोग फिर डायरेक्ट शादी में आएंगे और वो लोग हॉल में आएंगे। फिर शादी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो लोग मेरे घर पर आएंगे, क्योंकि उनको छुट्टियों का मसला है, तो इसलिए वो शादी से पहले नहीं आ सकते, तो शादी वाले दिन ही आएंगे। तो दोबारा मैं आपको उनको अपने व्लॉग में मिलवाऊंगी ज़रूर। 2-3 दिन का व्लॉग था जो मैंने तोड़ तोड़ के बनाया है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो अगर आपने एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगी एक अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।